हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और आज हम आए हैं जिला हिसार हरियाणा के मटका चौक पार्क पर। जो आप हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये बाबा रामपाल की संगत है और आज हम इनका रियलिटी टेस्ट लेंगे। टेस्ट ये है कि इनके संत और इनके अनुयायी कहते हैं कि ये किसी प्रकार का नशा नहीं करते, ये नशे से दूर हैं। तो आज हम इनका ये रियलिटी टेस्ट लेंगे और जानेंगे क्या ये सच में नशे से दूर रहते हैं या सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं। तो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये 10,000 है और साथ में है ये सिगरेट की डब्बी और ये लाइटर। तो जो भगत जो एक सिगरेट पी लेगा तो उसको 10,000 रुपये देने का ऑफर दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा रामपाल के अनुयायी, तो चलते हैं लेते हैं इनका टेस्ट। सर, क्या नाम है आपका? नामदत्त। सर, मैं आपको ये 10,000 रुपये देना चाहूंगी। आप पकड़े तो सही, पहले बताइए आप पकड़िए तो जी। सर, आपको मेरे पास ये सिगरेट की डब्बी है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें से एक सिगरेट थोड़ी सी चाय पी के दिखा दीजिए, आपको ये 10,000 रुपये दे दिए जाएंगे। मैम, आपको पता होना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सिगरेट पीना तो दूर से छूते भी नहीं है। नहीं, थोड़ी सी पीने में क्या दिक्कत है? इसलिए इसका ज्ञान है, ये क्यों नहीं पीते है? हम इससे पहले संत राधा स्वामी व्यास से जुड़े हुए थे। हम संत रामपाल जी महाराज से सन 2006 में जुड़े, उससे पहले हमने व्यास से नाम लिया हुआ था। वहाँ भी इसको मना करते हैं कि बीड़ी सिगरेट मांस वगैरह नहीं खाना, लेकिन वहाँ हमसे ये नहीं छूटी। क्यों नहीं छूटी? अब ये तो अब पता लगा क्यों नहीं छूटी, क्योंकि वहाँ वो ज्ञान नहीं बता सकते इसको क्यों नहीं पीना है। जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, वहाँ से पता लगा कि हमने नशा क्यों नहीं करना। वो बताते हैं कि नशा करने से हमारी भक्ति खराब होती है और ये जो तम्बाकू है ये गाय के खून से बनी है। हमारे हिंदू धर्म में जो है गाय को माता माना गया है, इसलिए उसको हम नहीं इस्तेमाल कर सकते नशे को। यहाँ मैं तो क्या, यहाँ तो एक बच्चे को भी आप बोलोगे, कोई बच्चे को भी अगर ये दोगे तो वो भी नहीं लेगा, क्योंकि उसे ज्ञान है कि ये गलत चीज़ है। और ये शराब मांस कोई भी चीज़ छूना भी नहीं है, पीना तो बहुत बड़ी चीज़ है जी, ये हम नहीं पीते। आप पैसे 10,000 क्या, हम लाखों रुपए इसको छुड़वाने के चक्कर में हरिद्वार गए, वहाँ जाते थे तो वहाँ भी कसम खा के आते थे कि आज से नहीं पियेंगे। 2 महीने बाद फिर शुरू हो जाते थे, क्योंकि ये बिना परमात्मा की सहायता या उनके आशीर्वाद के बिना नहीं छूट सकता है। संत रामपाल जी महाराज इसमें वही परमात्मा है जो इसको छुड़वा सकते हैं, और बाकी किसी के कोई यहाँ पर औकात नहीं छुड़वाते इस नशे को। आप किसी भगत माई बहन या कोई बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी इसको हाथ भी नहीं लगाएगा। इसके लिए हम हाथ जोड़ते हैं जी, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, बाबा रामपाल के एक अनुयायी ने पैसे लेने से तो बिल्कुल मना कर दिया और साथ में अपना बताया भी क्यों वो सिगरेट वगैरह या किसी चीज नशे का सेवन नहीं करते, मगर देखते हैं उनके और अनुयायी भी उनको अच्छे से फॉलो करते हैं या नहीं करते। सर, क्या नाम है आपका? करमबीर दास है। कहाँ से है सर? गोहाना से। अच्छा सर, मैं आपको एक टास्क दूंगी, तो इसमें आपको ये 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, आपने इन पैसों को, मतलब कि जो ये सिगरेट की डब्बी है, इनमें से सिर्फ एक सिगरेट पीनी है। अगर आप ये सिगरेट की में से एक सिगरेट पी जाते हो तो आपको ये 10,000 रुपये दिए जाएंगे। आपको चैलेंज है साहब? करोड़ रुपये तो भी हाथ में नहीं लगाऊंगा मैं सिगरेट, क्या पैसे को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। कारण सर? कारण क्या है? हमारे परमात्मा ये सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, रिश्वत लेनी ना देनी, ना बीड़ी सिगरेट, नशा कुछ नहीं करना। तो एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज? ट्राई करने में तो बहुत ज्यादा हर्ज है जी, हाथ लगाने में हर्ज। आप ट्राई के लिए कह रहे हो? कैसे? क्या पूर्ण परमात्मा की शरण मिली है? शरण बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो देखिए, 10,000 रुपए भी कम बड़ी बात नहीं होती। कौन देख रहा है कि पीपीआ या नहीं? कोई देखे या ना देखे, परमात्मा तो देख रहे हो ऊपर। अच्छा, तो और बाबाओं के अनुयायी भी होते हैं, वो तो आसानी से पी लेते हैं। वो अनुयायी नहीं है ना, बाबा है वो ऐसे ही ढोंगी है, वो पूर्ण परमात्मा की शरण नहीं है उनके पास। पूर्ण परमात्मा के पास आ जाएंगे उस दिन सब कुछ ज्ञान हो जाएगा उनको, ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप किसी कीमत पर भी ये सिगरेट नहीं पिएंगे? पीना ही पसंद नहीं करेंगे ये हम तो। चलो, थैंक यू सर। आइए इनसे जानते हैं कि इनका इस मामले में क्या एक्सपीरियंस है। सर, नमस्कार। नमस्कार सर, साहेब जी। सर, कहाँ से आए जी? एक्चुअली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पूना महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, आप महाराष्ट्र से आए हैं। तो अगर मैं आपको एक चैलेंज दूँ, आप एक्सेप्ट करोगे? हाँ, करेंगे। ये मैं आपको 10,000 रुपये देती हूँ, आप पकड़। अब आपको क्या करना है कि जो मेरे हाथ में सिगरेट की डिब्बी है, इसमें से एक सिगरेट पीनी है। अगर आप पी जाते हैं तो ये 10,000 रुपये आपके हो जाएंगे। आपको मंजूर है? नहीं, मुझे मंजूर नहीं। अगर आप 4,00,000 नहीं, आप पूरे मुझे महाराष्ट्र क्या बोलते हैं, मेरे को इंडिया अगर लिख दोगे मेरे नाम, तो भी नहीं मैं पी सकता। ये तो 10,000 की बहुत बड़ी बात है। कारण? कारण ये है कि मुझे अपनी सदभक्ति, हमारे गुरु जी ने जो बताया करने के लिए, उसमें हमें नशा बिल्कुल मुक्त करना है। तो फिर क्या होगा, एक थोड़ा सा पी लीजिए, क्या पता किसको पता चलता है कि आपने पिया नहीं पिया। नहीं, नहीं पी सकते। अच्छा,
करते आप पिएंगे नहीं, हाथ भी नहीं लगाएंगे? नहीं, हाथ भी नहीं लगाते किसी को, उसको छूते भी नहीं, देखते भी नहीं है। अच्छा, और लोग तो पीते हैं, उनको तो कोई बुराई नजर नहीं आती इसमें? सद्भक्ति नहीं है इसके लिए वो पीते हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे उनका मुक्ति होने वाला है कैसे नहीं। वो ये 21 ब्रह्मांड के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी में दुख कष्ट भोग रहे हैं। और 20,000 दें तो? 20,000 नहीं, मैं बोला ना इंडिया आप मेरे नाम लिख देंगे तो मैं नहीं पूंगा, ये तो 20,000 की बात है। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? सर अंकित दास। अंकित दास जी कहाँ से आए आप? कानपुर से। अच्छा, तो मैं आपको एक चैलेंज दूंगी, आप एक्सेप्ट करोगे? क्या बताइए। पहले आप ये 10,000 रुपए पकड़िए, आप पकड़े तो सही। अरे पैसे यहाँ पकड़ने में तो नहीं कुछ जाता अच्छा आपको ये एक चैलेंज दिया जाता है कि ये मेरे पास सिगरेट की डब्बी है और इनमें से आपने एक सिगरेट पी के दिखानी है, थोड़ी सी पी के दिखा दोगे? पियोगे? नहीं, नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं। कारण? बहुत इसे हम बहुत दूर रहते हैं। अच्छा, नहीं दे सकते हम, छूते नहीं हम आपको पीने के लिए। अरे इतने पैसे कोई आजकल आज के टाइम पे देता है क्या? 20,000? नहीं चाहिए। 30,000? नहीं चाहिए। चलो ठीक है सर, थैंक यू। चलिए हमारे साथ अब है एक छोटा सा बच्चा, इनका नाम जानते पहले, आपका नाम क्या? स्नेहा। स्नेहा कहाँ से आए हैं आप? से। अच्छा, तो मैं अगर आपको एक चैलेंज दूंगी तो आप एक्सेप्ट करोगे? यस। आपको मैं 10,000 रुपए दूंगी, ठीक है आप पकड़ो। आपने क्या करना है, मेरे पास एक सिगरेट की डिब्बी है, इस सिगरेट की डिब्बी को आप, चलो छोटे बच्चे पियो पी नहीं सकते, तो आप इसको ले सकते हो क्या? नहीं। कारण? पीने में क्या जाता, थोड़ा सा पी लेना। नहीं। मैंने भी पिया। नहीं भी होगे, थोड़े और पैसे दिए जाएंगे? नहीं। इतने पैसे कोई देता है क्या? एक सिर्फ सिगरेट पकड़नी है, चाहे आप पीना भी मत। नहीं। नहीं पैसे और दिए जाएंगे तो? नहीं। कारण? मम्मी पापा ने मना किया? क्यों? गुरुजी ने मना किया है। गुरुजी, जो हमने बाबा रामपाल के अनुयायी का रियलिटी टेस्ट लिया उनमें से तो अभी तक कोई भी 10,000 रुपए जीत नहीं पाया, तो अभी जो यहाँ पे लेडीज बैठी हुई हैं ये भी सब संत रामपाल जी महाराज की शिष्या हैं, तो इनसे जानते हैं क्या ये रियलिटी टेस्ट पास करती हैं कि नहीं करती। क्या नाम है आपका? तेजवंती। तो मैडम आपको एक टास्क दिया जाएगा, आप एक्सेप्ट करोगे? पहले जान तो लीजिए। हाँ बताओ। ये पहले 10,000 रुपए पकड़िए, बताओ आप पकड़िए तो सही। अरे पकड़ने में तो कुछ नहीं जाता। हाँ जी बोलो। आपको करना क्या है, ये मेरे पास जो सिगरेट की डब्बी दिख रही है इसमें से आपको पीनी नहीं है, बस आपको पकड़नी है। तो हाथ ही नहीं लगाऊं इसको? क्यों? नहीं। अरे पकड़ के तो देख। नहीं पकड़ेंगे। कारण? कारण हमें नहीं लगाना इसको। तो 10,000 रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी ना, चाहे 1,00,000 हो, मतलब ये आपने लेना ही? नहीं लेना। और भी तो बाबा के अनुयायी होते हैं, वो तो ले लेते हैं आराम से। लेते जो माँ बाबा के अनुयायी होंगे ना, सच्चे होंगे, वो नहीं लेंगे। अच्छा, मतलब कि बाबा रामपाल के अनुयायी किसी भी कीमत पर नशा पे हाथ भी नहीं लगाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। कोई आप जो मर्जी लालच दे दो, आप बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। मतलब हाथ लगाने में क्या जाता है, ऐसे क्या बात? हमारे नियम है परमात्मा के, नशा मुक्ति को करना है परमात्मा ने हमें, उस चीज को, नशे की जो चीजें हैं ना उनसे परमात्मा कहते हमारे को बिल्कुल दूर रहना, हम नहीं लगा सकते हाथ। ठीक है, जो मर्जी आप जितने, एक ये तो 10,000 है, आप 10,00,000 दोगे ना तो भी हम नहीं छुएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। तो हमारे साथ एक बाबा रामपाल के अनुयायी हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या ये रियलिटी टेस्ट पास करती हैं या नहीं करती। मैम क्या नाम है आपका? रागनी। कहाँ से हैं? यमुनानगर से। मैम आपको एक टास्क दिया जाएगा, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? किस प्रकार का टास्क है ये? ये 10,000 रुपए हैं, ठीक है, पहले तो आप ये पकड़ लीजिए। आपको क्या करना है, ये जो सिगरेट की डिब्बी आपको दिख रही है, आपने सिगरेट पीनी नहीं है, बस ये सिगरेट की डिब्बी में से एक सिगरेट अपने पास पकड़ के रख लेनी है, तो पकड़ोगे 2 मिनट के लिए? नहीं नहीं, इसको तो हाथ भी नहीं लगाना है हमको, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल नशे से दूर रखा है सभी को, माचिस भी नहीं देनी है किसी को। तो मतलब पकड़ने में क्या है, पकड़ने में तो पकड़ना भी नहीं है इसको, पकड़ने से नशा थोड़ी ना चढ़ेगा? नहीं नहीं, हमारे गुरु जी ने बिल्कुल भी प्रतिबंध लगा। पकड़ लीजिए। नहीं, अरे मैंने भी तो पकड़ा, कुछ हुआ थोड़ी ना। बात नहीं, हमारे गुरु जी का ज्ञान ही ऐसा है, हमें समाज को सुधारना है ना कि बिगाड़ना। पकड़ने से कैसे सुधरेगा? नहीं नहीं, ना पकड़ने से कैसे? हमारी भक्ति क्यों खराब होगी इससे? कैसे खराब होगी? इसको छूने से, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बिल्कुल इसका सख्त प्रबंध कर दिया, इसको बिल्कुल भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाना है, माचिस भी नहीं देनी, अगर कोई इसको यूज करता है तो हम इसको माचिस भी नहीं देनी है। तो मैम 10,000 रुपए कम नहीं होते, आपको और दे दिया जाएंगे। अरे करोड़ों भी दे दो, कोई ये कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो मिट्टी जैसा है। चलो 1 मिनट पकड़ लीजिए। 1 मिनट भी नहीं, 20 सेकंड। आधा मिनट? नो। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह।
गुरमीत जी कहाँ से आए? कुरुक्षेत्र से। सर मैं आपको एक टास्क दूंगी, आप एक्सेप्ट करोगे? हाँ जी, हाँ जी, जी। पहले तो आप ये 10,000 रुपए पकड़ लीजिए। अब मैं कहूँ ये 10,000 रुपए आपके हैं, आप लोगे? नहीं नहीं मेरे नहीं। चलो आपको एक टास्क जीतना है, तो उसमें आपको ऐसा करना है कि जो मेरे पास ये सिगरेट की डिब्बी है इसमें से एक सिगरेट पीनी है, पियोगे? नहीं नहीं पियूंगा। 10,000 रुपए में? नहीं नहीं बिल्कुल। कारण? कारण हम संतरामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। अच्छा, तो मेरे को मतलब चलो पकड़ लीजिए, पकड़ने में क्या जाता है? अरे पकड़ तो लीजिए, देखो मैंने भी तो पकड़ा है। नहीं नहीं आपने पकड़ोगा पकड़ने में क्या जाता, पकड़ने से नशा थोड़ी ना। माचिस भी नहीं दे सकते हम आपको, अगर आपको होगी ना माचिस दे, माचिस भी नहीं दे सकते। मतलब कि पकड़ने में क्या जाता, पकड़ने हाथ हाथ लगाने से क्या होता है? नहीं पकड़ सकते। तो हम मैंने भी तो हाथ लगा, हाथ लगाने से नशा थोड़ी ना चढ़ता है। आपको नहीं चढ़ता, हम कार्य को चढ़ता है ना, आपको चढ़ता। अच्छा अच्छा, तो आपको डब्बी पकड़ने से भी नशा चढ़ता है? हाँ चढ़ता है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। बुराई है ना ये? हाँ बुराई तो है, मगर ये चीज जो है बाबा रामपाल के अनुयायी में सबसे ज्यादा मतलब कि सुनने में आता है कि वो उनके अनुयायी किसी प्रकार का नशा नहीं करते। तो आज हम इसी का रियलिटी टेस्ट करने के लिए यहाँ इस पार्क में आए हैं, तो देखते हैं आप नहीं सही तो कोई और मिलेगा। नहीं कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं, आप टेस्ट कर लो कहीं किसी भी वक्त, कोई नहीं मिलेगा। चलो ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? ध्रुव। कहाँ से? नाड़ा से। अच्छा पहले 10,000 रुपए मेरे हाथ में है, इनको पकड़िए। अब आपको क्या करना है, जो इसमें सिगरेट है इसको सिर्फ पकड़ना है, पीना नहीं है। पकड़ोगे? नहीं। क्यों? हमारे गुरु जी मना करते हैं। तो पकड़ो तो सही, पकड़ने में क्या जाता है? अरे पकड़ तो लो, पकड़ने में कुछ थोड़ी ना होता है, पकड़ने में किसने कहा पकड़ नहीं सकते? हमारे गुरु जी ने कहा है। क्या कहा है? ऐसे कहा है, हाथ लगाना नहीं है ना। हाथ लगाने से थोड़ी ना नशा चढ़ता है? नहीं, खराब हो जाता है। तो मैंने भी तो पकड़ा, देखो मेरे को पकड़ने से थोड़ा ना नशा चढ़ गया, वो तो पियोगे तब चढ़ेगा। नहीं आपका तो काम है, आपकी तो ड्यूटी है। अच्छा तो मतलब कि आप किसी भी कीमत पर ये नहीं लोगे ये टास्क, मतलब कि आप 10,000 रुपए नहीं जीतना चाहते? नहीं। चलो ठीक है, आपकी मर्जी। बंदी छोड़ श्रीरामपाल जी महाराज की जय हो। चलिए तो अभी तक हमारे चैलेंज को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है इस रियलिटी टेस्ट में, अभी तक तो बाबा रामपाल के अनुयायी पास होते आए हैं और इन्होंने ये टास्क नहीं जीता है, मगर फिर भी हम कोशिश अपनी जारी रखेंगे और एक दो से और जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील है। कहाँ से? यमुनानगर। सर आपको एक टास्क दिया जाएगा, आप उस टास्क को एक्सेप्ट करोगे? बोलिए पहले क्या है। आप पहले 10,000 रुपए पकड़िए। आपने क्या करना है कि जो ये मेरे हाथ में सिगरेट की डिब्बी है आपने इसमें से एक सिगरेट पीनी है? नहीं नहीं। 10,000 रुपए मिलेंगे? 10 छोड़िए आप, 10 करोड़ 10 अरब खरब दे दें उसमें भी नहीं कर सकते हम। कारण? कारण सिर्फ ये कि हम संतरामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हमारे गुरुजी ने सख्त आदेश दे रखे इसको नहीं पीना है। तो पकड़ने में क्या जाता है, चलो पकड़ लीजिए, पीना मत। अरे पकड़ने नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं पकड़ सकते। पकड़ तो लीजिए। नहीं मैडम हम नहीं पकड़ सकते, प्लीज पकड़ तो लीजिए। चलो 20,000 रुपए देंगे। 20,000 छोड़िए, 20 अरब दे दो तब भी नहीं हम पकड़ेंगे। गरीबदास साहब ने कह रखा है कि सोनारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे कालीदार, यानी कि कोई भी हुक्का भर के देने यानी बीड़ी सिगरेट लिया के भी देगा ना वो घोर नरक में जाता है। तो हमारे गुरुजी ने जब पीना छोड़ो किसी को लिया के देना भी मना कर रखा है तो हम कैसे पकड़ लें? तो और बाबाओं के भी अनुयायी होते, वो तो आराम से ले लेते पी लेते। वो नकली बाबा है, ये असली बाबा है। आप नकली कैसे कह सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार पर कह सकते हैं। अच्छा तो मतलब कि आप 10,000 रुपए नहीं जीतना चाहते? नहीं नहीं ये हमारे लिए मट्टी है, इसको आप रखिए। चलो ठीक है सर, थैंक यू। हमारे साथ बाबा रामपाल के एक और अनुयायी जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं ये रियलिटी टेस्ट जीतते हैं या नहीं जीतते। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र दास है। रविंद्र जी कहाँ से आए? मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ मैम। अच्छा तो मैं आपको एक चैलेंज दूंगी, आपको क्या करना, पहले तो आप ये पैसे पकड़िए। किस लिए पकड़ू मैम? आप पकड़िए तो कारण होगा बताएंगे ना मैम मुझे, वो कारण आपको बताया जाएगा पैसे पकड़ने में क्या देते। तो आपको करना क्या है, जो मेरे पास आप सिगरेट की डिब्बी देख रहे हैं जी। आपने इस सिगरेट की डिब्बी में से एक सिगरेट पी के दिखानी है और आपको 10,000 रुपए आपके हुए। मैम सवाल ही पैदा नहीं होता, पीने की तो दूर की बात मैम, हम इसको छू भी नहीं सकते। छू नहीं सकते तो छूने में क्या है? बिल्कुल मैम, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और हमारे गुरु जी का सख्त आदेश है, नशा करने की दूर की बात हमें किसी को ला करके देना भी नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारे बाबा कहते रहते हैं मगर उनके फॉलोवर तो ऐसे चलते नहीं। बिल्कुल मैम, उनके जो भगत है ना या जो बाबा हैं वो नकली हैं, वो असली नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी एक असली तत्वदर्शी संत हैं जो शास्त्र के अनुसार एक एक अक्षर का ज्ञान देते हैं, एक एक चीज की नॉलेज देते हैं, जो असली ज्ञान परमात्मा के पास है वो कहीं नहीं। चलो एक काम कीजिए, मैं आपको 20,000 दूंगी, आप सिर्फ ये डब्बी पकड़ लीजिए।
नशा मुक्ति यानी के पूरे हिंदुस्तान से नहीं पूरे वर्ल्ड से नशा। मेरे साथ बाबा रामपाल के एक और अनुयायी जुड़े हैं, तो इनसे देखते हैं ये टास्क ये जीतते हैं या नहीं जीत पाते। सर क्या नाम है आपका? नरेश कुमार जी, नरेश दास। नरेश दास जी कहाँ से आप? नारायणगढ़, जमुनानगर तहसील, जमुनानगर जिला, तहसील जगाधरी, गांव गलोड़ी। अच्छा, तो सर मैं आपको एक टास्क दूंगी, आप वो एक्सेप्ट करोगे? हाँ जी। ये मेरे पास 10,000 रुपए हैं, पहले तो ये 10,000 रुपए पकड़ लीजिए। पहले बताओ जी। नहीं आप पकड़िए तो सही, पकड़ने में तो कोई। चलो अब आपको क्या करना है, जो मेरे पास ये जो सिगरेट की डिब्बी है ठीक है, इसमें से आपको एक सिगरेट पीनी है और उसके बदले में आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, तो आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है? ना जी। क्यों? मेरे को 4,00,000 रुपए भी दे कोई, तब भी हम इसको हाथ मिल लगाएंगे। कारण? कारण ही गुरु जी के आदेश जाए ना, हम उसके आदेश में नहीं रहेंगे तो भक्ति कहेगी। अब तो चलो एक काम कीजिए, पीना मत, ये डब्बी या इसमें से एक सिगरेट पकड़ लेना, 10,000 रुपए आपके। नहीं पकड़ लीजिए। नहीं, पकड़ने में क्या जाता है? फिर मर्यादा कहेगी रहेगी या हम? तो पकड़ने से मर्यादा भंग होती है? तो कोई रिश्ता नहीं है, हम तो दूर आया। तो ये तो मतलब डब्बी है, पकड़ने में क्या होता है? डब्बे पकड़ने से 10,000 रुपए हो? 10,000 ये क्या चीज है, कुछ भी नहीं। परमात्मा तो ऊपर, परमात्मा की जो मर्यादा है ना, तो वो तो उसी की कीमत है, ये तो पैसा तो कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। अभी तक जो हमारे इस टास्क को है किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है, तो देखते हैं अभी एक दो को और मिलते हैं और देखते हैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सच्चाई। सर क्या नाम है आपका? गौतम दास। सर कहाँ से? दिल्ली से हूँ जी। सर आपको एक चैलेंज दिया जाएगा, आप एक्सेप्ट करोगे? बताइए। ये पहले तो आप 10,000 रुपए पकड़े, पकड़िए तो सही। अब आपको क्या करना है कि जो ये मेरे पास सिगरेट की डिब्बी है, इसमें से एक सिगरेट आपको पी के दिखानी है आप। नहीं मैम। बदले में आपको 10,000। नो मैम। कारण? आप 1,00,000 भी दीजिएगा मैं जब भी नहीं लूंगा। कारण? ताकि हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के दास हैं, उनके आज्ञा के अनुसार हम ये नशा मुक्त केंद्र में चला रहे हैं। तो आप डब्बी को पकड़ सकते हैं? डब्बी नहीं, नहीं मैम, कुछ भी हाथ में लगा सकते हैं। डब्बे पकड़ने में क्या? माचिस भी नहीं दे सकते मैम। डब्बे पकड़ने से क्या? नो मैम, नो।